एक आदमी के पास जीवन में खूब सारी दौलत है, खुशियां हैं, संपत्ति है, और दूसरी तरफ एक आदमी के पास दो समय का भोजन करने का भी पैसा नहीं है। आप चाहे किसी भी उम्र, लिंग, धर्म, जाति, संप्रदाय या पंथ से क्यों न हो, यदि आप ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य और शक्तियाँ जिनको जानकर पूरे जीवन को बदला जा सकता है, उनको सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आपको आज 8 से अधिक सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स एक ही वीडियो में मिलेगा, लेकिन इनको खोजने में या सीखने में मुझे कई वर्षों का समय लगा है। आप आज से 99% लोगों की श्रेणी से बाहर निकलने वाले हो और दुनिया के 1% अच्छा जीवन जीने वालों की कैटेगरी में शामिल होने वाले हो। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, आपका देखना इस दुनिया को प्रभावित करता है। इंग्लिश में इसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स कोई विषय नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। इसका एक परीक्षण दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर रोबोट मशीन पर करा। उससे जो परिणाम आए वो होश उड़ा देने वाले थे। इस एक्सपेरिमेंट को आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अभी मैं क्वांटम फिजिक्स की ताकत आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस शक्ति का प्रयोग अपने जीवन की समस्याओं के समाधान में कर सकते हैं। आप जिस भी वस्तु को दिल से, फोकस से उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, वो एक दिन आपके पास आ जाएगी। ये सब गतिविधि यूनिवर्स करता है। आपका देखना इस दुनिया को प्रभावित करता है, इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सब कुछ मैटर करता है। अब पता चला गरीब आदमी जीवन भर गरीबी में ही क्यों मरता है, क्योंकि वो पूरे दिल से भगवान को बदुआ देता है कि मुझे इतनी गरीबी क्यों दी। वो अपनी गरीबी के बारे में ही सोचता रहता है, जबकि जिनको क्वांटम दुनिया के सिद्धांत के बारे में पता होता है, वे लोग अमीर बनने के सपने देखते हैं, जोर से खुले आसमान में ये बोलते हैं कि मैं एक दिन अमीर बनकर दिखाऊंगा, और ये बात सच होती है। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादू है। आप इसको अंधविश्वास या कोई भी टोना टोटका नहीं बोल सकते। दुनिया के सफल से सफल लोगों ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इस सिद्धांत का पालन किया है। अब कम शब्दों में आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। स्टेप फर्स्ट, आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो? कोई वस्तु, पैसा, लड़की, विदेश यात्रा, कार, मोटरसाइकिल, घर इत्यादि। उदाहरण के लिए आपको 10 लाख रुपए की कार चाहिए। स्टेप सेकंड, कार में कौन सी कार चाहिए, उसका रंग, मॉडल नंबर, उसकी कीमत और किस तारीख को आपको चाहिए, सब कुछ एक पेपर पर लिख डालो। ये सब काम मोबाइल या लैपटॉप में करके, उस कार का फोटो गूगल से डाउनलोड करके, बाजार से रंगीन प्रिंट निकलवा दो। रंगीन मतलब कलरफुल। स्टेप थर्ड, अभी उस पेपर को अपने घर, ऑफिस, जिस भी जगह पर आप दिन का अधिकतम समय गुजारते हैं, वहाँ पर चिपका दो। कम से कम 2 से 4 प्रिंटआउट पेज निकाले। स्टेप फोर्थ, अभी आप विश्वास नहीं मांगेंगे जिस दिनांक को उस पेपर पर लिखा है, उससे पहले आपको वो कार मिल जाएगी। कार नहीं मिलेगी तो कोई न कोई ऐसा विचार, आइडिया, ब्रह्मांड आपको देगा, जिससे कुछ ही सालों के अंदर वो सपनों की कार आपके पास होंगी। तीसरा पॉइंट, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड का हिंदी में मतलब कृतज्ञता होता है। आपके पास इस समय जो कुछ भी है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना। संसार की सभी दिव्य शक्तियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। ऐसा करने से आपके पास इस समय जो कुछ भी है, वो लौटकर दोगुना हो जाएगा। एग्जाम्पल, आप सुबह उठते ही ये बोलते हैं कि है भगवान, इतनी सुख समृद्धि देने के लिए धन्यवाद। तो आपके पास भले इस समय कुछ ना हो, लेकिन कुछ समय के बाद आपके पास वास्तव में उतना सुख समृद्धि होगा। आपके पास अभी 1 करोड़ है, तो कृतज्ञता प्रकट करने के बाद वो 2 करोड़ हो जाएंगे। चौथा पॉइंट, ब्रह्मा मुहूर्त जागरण। ये नियम जितना पढ़ने में और सुनने में आसान लगता है, उतना आसान नहीं है। अगर कोई भी इंसान सिर्फ 6 महीने लगातार सुबह 3 बजे उठने की आदत डाल दे,
तो वो 60 साल का सुख इन 6 महीनों में ले लेगा। इसके अलावा उसका कोई भी बड़ा काम इन महीनों में पूरा हो जाएगा। पांचवा पॉइंट, रात को जल्दी सोने का वैदिक विज्ञान। सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों में 9 बजे के बाद के समय को राक्षस काल बताया है। मतलब रात्रि 9 बजे के बाद में जागने से आपको नुकसान ही नुकसान है। आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे, बहुत सारी बीमारियां होंगी, समय पर काम नहीं होगा। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते तो आपके पास भले कितना भी पैसा क्यों न हो, स्वास्थ्य और खुशी आपके हाथ से चली जाएगी। छठवां पॉइंट, मेडिटेशन ध्यान से प्राप्त करे अद्भुत शक्ति। प्रतिदिन 60,000 से अधिक विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, उनमें से 10 या 20 विचार काम के होते हैं, बाकी सारे विचार फालतू होते हैं। यदि आप इन बेवजह के विचारों को रोकना चाहते हैं, तो ध्यान एकमात्र वो विद्या है। सातवां पॉइंट, योगा योग से करे शरीर का कायाकल्प। पूरे दिन तरोताजा रहने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, शरीर में आध्यात्मिक शक्तियों का प्रवेश करवाने के लिए हर दिन योग आसन प्राणायाम व्यायाम करना आवश्यक है। आठवां पॉइंट, चक्रों को जागृत करने के फायदे। सच बात बोलूं तो इस सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स के बारे में मुझे बहुत देर से पता चला, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके अंदर अद्भुत शक्ति आ सकती है। आप ऐसे ऐसे काम जीवन में कर जाओगे जो आम आदमी करने की सोच भी नहीं सकता। इस ब्रह्मांड के रहस्य का नाम है अपने शरीर के सातों चक्रों को जागृत करना। हर वो इंसान जो बाजार की अंडशंड तली भूनी खाद्य पदार्थ खाता है, पूरे दिन समय बर्बाद करता है, ऐसे लोगों के ये 7 चक्र बंद हो जाते हैं, जिसके कारण उनको हर काम में निराशा और विफलता प्राप्त होती है। यदि आप अपने 7 चक्रों को जागृत करना चाहते हैं, तो आप कुछ टिप्स का पालन करें। जब भी आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, तब मन में आती जाती श्वास के साथ ओम बोले। जो भी काम करे पूरे मन से और लगन से करे। ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको बिना गलती डांटते हैं, पीटते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। इन लोगों से हमेशा के लिए दूर जाने की योजना बनाएं। सात्विक भोजन खाए, मांसाहार को त्याग दे, जीवन लक्ष्य बनाएं और उसकी प्राप्ति में लग जाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्रह्मांड के रहस्य और शक्तियों के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट में यस लिखे। आपको बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए